नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप देख रहे हैं ईडीएस। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था रिकॉर्डर और प्लेयर के बारे में, आज मैं बताऊंगा टाइमलाइन के बारे में। तो चलिए सीखते हैं वीडियो एडिटिंग और सॉफ्टवेयर है ईडीएस। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं टाइमलाइन। तो मेरे टास्क बार पर ईडीएस का आइकन है, मैं इस पर डबल क्लिक किया। और मैं न्यू में जाऊंगा और मैं यहाँ पर फाइल प्रोजेक्ट नेम में मैं दूंगा ईडीएस और मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने से क्या बेनिफिट होती है कि बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ता है, इसमें कॉपी में कर लेता हूँ। और यहाँ पर भी दूंगा ईडीएस। मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया, लेकिन आप जो भी फाइल डेस्कटॉप पर नहीं रखेंगे उसके बाद कोई प्रोजेक्ट में ले लेता हूँ, जिस प्रोजेक्ट में रेंडिंग करेंगे, मतलब कोई फ्रेम रेट। इस पर आपको जैसे मैं 1280x720 लिया, वो ठीक किया। और देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लेयर रिकॉर्डर, आज मैं बताऊंगा इस टाइमलाइन के बारे में, इस सारे टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले ऑप्शन में मेरे पास क्या है, क्रिएट न्यू सीक्वेंस। इस पर आप क्लिक करके आप न्यू सीक्वेंस भी आप यहां से, जो मैं पिछली वीडियो में आपको पीछे भी बैक में आपको बताया था, वही चीज यहां पर भी है। और कोई फ्रेम रेट यहां पर, इस वही चीज जो मैं पीछे में आपको अभी मैं बताया न्यू से, ठीक है ना, न्यू पर से। उसके बाद देखिएगा ओपन। ओपन से क्या होता है, कोई भी आप यहां पर प्रोजेक्ट आप ला सकते हैं, जो आप सेव कर दिए हैं, जो सेव कर दीजिएगा एडिस में, वो प्रोजेक्ट यहाँ से आप ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर एक वीडियो क्लिप ले आता हूँ और मैं टाइमलाइन पर रख दिया, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना, सेव कर सकते हैं। एक बार सेव कीजिए, बार बार सेव एज करते रहिए, ठीक है। जैसे एक बार यहाँ पर मैंने सेव किया, और बार बार आप सेव एज भी कर सकते हैं, कोई नया नाम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव सेव भी क्लिक करते रहिए। सेव एज से क्या होता है कि न्यू नाम न्यू लोकेशन पर सेव हो जाता है। यहाँ से आप क्या करते हैं, कोई चीज़ को कट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर करेंगे कट कर देंगे। अगर आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आंडू पर क्लिक कीजिएगा तो वो आ जाएगा, यहाँ से कट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से कट कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्ले हेड के रखा, यहाँ पर अभी मैं आ जाता हूँ, यहाँ से इस तरह से। अब इसमें से माने कि ये हमको क्लिप को कट करना है, ठीक है, यहाँ से इसको कट कर देंगे तो यही क्लिप आपको कट होगा। यहाँ पर आके कंट्रोल जेड कर सकते हैं। और सबका शॉर्टकट की का को शॉर्टकट की भी आपको दिखाई देगा, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, और यहाँ से कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ से न्यू सीक्वेंस लेंगे और यहाँ से सेव की फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कॉपी। कॉपी से क्या होता है बेनिफिट, आप चाहते हैं, मैंने यहाँ से काट के इसको कट कर दिया और ये कट कर दिया, और यहाँ पर भी मैं इसे कट लगा देता हूँ और यहाँ पर से मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉपी वाला फाइल यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर लाके इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं प्लेट कर रखूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर पेस्ट हो गया, कहीं पर जहाँ भी प्लेट रखिएगा और जिसको कॉपी करके यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का कहा जाएगा पेस्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, रिप्लेस क्लिप, वहाँ पर से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा ये, वहाँ से क्या करेगा, उसी को यहाँ पर से रिप्लेस कर देगा ये, वही चीज़ पिक्चर को रिप्लेस कर देगा। यहाँ से क्या क्या करेगा, आपको कट कर देगा, यहाँ से क्या करेगा वो कर देगा, डिलीट करेगा, यहाँ से कंट्रोल जेड करेंगे। अब मैं आपको मैं करके दिखला रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रखा और यहाँ से इसको यहाँ से देखिए कट किया। अब यहाँ बीच में गैप हो गया, यहाँ से कट कंट्रोल जेड किए, ये बीच में गैप हो गया। आप चाहते हैं कि यहाँ से कट करें, ये जो क्लिप यहाँ का सट जाए,
ठीक ना, तो हम कंट्रोल जेड का करेंगे, तब उसके लिए ई कट कीजिए, यानी कि रिपील डिलीट, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ई कट भी हो जाएगा, यहाँ पर आकर इमेज जाकर सट जाएगा, देखिए इस तरह से, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर बीच में सिर्फ हटाना है तो इसको क्लिक करेंगे, इसको इस पर क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा, कंट्रोल जेड किया, अगर चाहते हैं कि ई आपको हट भी जाए, ई पिक्चर यहाँ पर, ई क्लिप यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए इस तरह से। उसके बाद देखिए आंडू है, अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसको किया डिलीट, लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं इस तरह से, आगे पीछे आंडू कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई क्लिप को काट सकते हैं, बीच में से यहाँ से क्लिक करके इसे काट सकते हैं, यहाँ से इस तरह। अगर आपको वो ऊपर नीचे ट्रैक रहेगा, मैं एक ट्रैक को यहाँ से काट रहा हूँ, जैसे सी प्रेस कीजिएगा तो भी कट जाएगा, हम चाहते हैं ऊपर नीचे, मेरे पास ट्रैक है, ऊपर भी ऐसे ट्रैक है, ठीक है ना, उसके बाद नीचे भी ऐसे ट्रैक है, और सभी को एक बार करना चाहते हैं कट, तो यहाँ पर आके ऑल ट्रैक पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा एक बार कट हो जाएगा, और सी से सिर्फ एक ही ट्रैक को कट होता है, जैसे यहाँ पर सी से एक ही ट्रैक कट करेंगे, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सी प्रेस करेंगे तो एक ही ट्रैक कट होगा। ऑल ट्रैक कट करने के लिए आपको यहाँ पर आके और शिफ्ट सी प्रेस कीजिएगा तो पूरा ऑल ट्रैक कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आइए सेट डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन, इसके बारे में मैं आगे कुछ बताऊंगा बारीकी से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में आगे बताऊंगा, यहाँ जो ट्रैक के बारे में था इसके लिए आगे मैं आपको बताता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिएट टाइमलाइन, यहाँ से क्लिक करके क्रिएट टाइमलाइन आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर आपको लिखा गौरव, और यहाँ से देखिए इसका हाइट, यहाँ से इसका देखिएगा हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ मैं क्लिक किया और यहाँ से इस तरह से हॉरिजेंटल बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरह से ऊपर नीचे हाइट कर सकते हैं, ठीक ना। इसके में क्या है, यहाँ पर देखिएगा, इस पर मैं क्लिक किया, यहाँ पर 3 दिया, इसका लेटर का जो दूरी है ना आगे पीछे कर रहे हैं, 30 कर दिया, और यहाँ से 40 इस तरह से। यहाँ से फ़ॉन्ट आप बदल सकते हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट यहाँ से पसंद है। यहाँ पर इसका साइज है, यहाँ साइज आगे पीछे कर सकते हैं, नीचे आइए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोल्ड, इटैली, हम लोग छोटा ले लिए हैं, बड़ा लेते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक ना, इटैली, अंडरलाइन, इस तरह से आपको करना है, ठीक ना। यहाँ से आपको कलर, 2-3 कलर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं 2 कलर पर क्लिक किया हूँ, यहाँ पर मैं 4 कलर, फिर एक बार कलर आए, फिर पिछली वीडियो में आपको मैं बताया था, ओके, देखिएगा 4 दिए हैं तो 4 कलर आपको लाएगा, ओके ओके। देखिए इसमें, देखिए 4 कलर मैंने डाल दिए इस लेटर में, इस पर आ जाइए। ये बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको अपने से कर करके आप शेडो, इसका शेडो कर सकते हैं, यहाँ से सॉफ्ट इसी सब आप कर सकते हैं। उसके बाद जब वो हो जाएगा ओके, तो यहाँ पर नो कर दीजिए, ठीक है, इसको समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको जो वॉइस है देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है वॉइस इस तरह से। और यहाँ पर आपको क्या करेंगे, रेंडिंग, जो आपको फाइल कट कट के चल रहा है तो एक बार यहाँ पर रेंडिंग कर दीजिए, और यहाँ पर आपको आ जाएगा टूगल बीन विंडो, यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर से देखिए गायब हो गया, ये वाला देखिए गायब हो गया, यहाँ पर क्लिक कीजिए आपको आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रैक है V1, देखिए V A V A, यह कुछ इसका ट्रैक है, तो सारे ट्रैक यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका साउंड आगे पीछे आप यहाँ से आप कर सकते हैं, इसका ट्रैक देखिएगा V A V, इस तरह से आपको ट्रैक है, इस तरह से इसका साउंड आगे पीछे आप कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको आ जाइएगा
यहाँ पर आने के बाद इसका ऑप्शन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। आप इसका इतना प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप देखना नहीं भूलें। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे वीडियो को देखने में आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे वीडियो को कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यूट्यूब खोल लेना है। जिस तरह से आप यूट्यूब खोल लीजिए और आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चाहे आप गूगल में भी यूट्यूब लिख सकते हैं। और यूट्यूब पहले आपको सबसे पहले खोल लेना है। यूट्यूब खोलने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गौरव कंप्यूटर ज्ञान को सर्च कर लेना है। आपको सर्च करने के बाद ऊपर वाला जो चित्र है इस पर आपको क्या करना है, ये जो फोटो वाला चित्र है इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्ले लिस्ट में जाना है। यहाँ पर देखिए प्ले लिस्ट है। अगर आप वीडियो पर क्लिक कर दीजिएगा तो पूरा वीडियो देख लेंगे, प्ले लिस्ट से आपको देखने में ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा आपको मेरा टोटल वीडियो आपको जितना यहाँ पर आपको दिखला रहा है टोटल। तो अगर आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, कोर्स बाय कोर्स देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे। आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, नोट पैड लिखा हुआ है, विंडो लिखा हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल लिखा है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आपको पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिएगा आ गया पूरा वीडियो। आप 1 2 3 इस पर क्लिक करके बारी बारी से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं मैं कंप्यूटर फंडामेंटल को देखूं तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने में पूरा उसका वीडियो आ गया यहाँ पर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं।